बड़ी खबर आपको बता दें, शनि शिंगणापुर मंदिर में 400 साल पुरानी परंपरा टूट गई है। मंदिर में अब महिलाएं भी पूजा करेंगी। पुरुषों के हंगामे के बाद फैसला हुआ। मंदिर ट्रस्ट ने महिलाओं को पूजा करने की अनुमति दे दी है। मंदिर ट्रस्ट ने तृप्ति देसाई को पूजा का न्योता दिया है। तो आपको बता दें कि काफी लंबे समय से तृप्ति देसाई के नेतृत्व में महिलाएं यहां पर समान रूप से पूजा के अधिकार की मांग कर रही थी। तो फिलहाल अब 400 साल पुरानी परंपरा टूटी है और यहां पर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी शनि शिंगणापुर में पूजा की इजाजत, पूजा की अनुमति मिल गई है। और खुद जो मंदिर का ट्रस्ट के अधिकारी, उन्होंने यहाँ पर तृप्ति देसाई को पूजा के लिए न्योता दिया है और उन्होंने कहा है कि आए और पूजा करें। तो आपको बता दें कि शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाएं भी अब पूजा कर सकेंगी। जी हाँ, इससे पहले यहाँ पर महिलाओं को चबूतरे में चढ़कर पूजा करने की अनुमति नहीं थी और इसको लेकर यहाँ पर पिछले कई दिनों से महिलाएं आवाज उठा रही थी। तृप्ति देसाई की बात करें तो नेतृत्व में कई बार प्रदर्शन भी हुए और कोर्ट भी मामला गया। तो अब यहाँ पर पुरुषों की आज दखलंदाजी हुई, उसके बाद ये तय हुआ है कि अब मंदिर में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी समान रूप से पूजा कर सकेंगी और 400 साल पुरानी परंपरा थी जो आज टूट गई है। शनि शिंगणापुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और जहाँ पर पूजा अर्चना इस वक्त चली है वो तभी चबूतरा है जहाँ पर महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी और इसके बाद यहाँ पर कई महिलाओं ने आवाज़ उठाई। तृप्ति देसाई की बात करें, उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद अब मंदिर ट्रस्ट ने कहा है कि तृप्ति देसाई आए और यहाँ पर पूजा अर्चना करें। तो शनि शिंगणापुर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां अब महिलाएं भी पूजा कर पाएंगी और अब यहां पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी आपको चबूतरे पर पूजा करती हुई नजर आएंगी। और इसके बाद ही जो एक तरह से आंदोलन काफी समय से चल रहा था, काफी यहां पर राजनीति भी हुई, प्रदर्शन भी हुए, उसके बाद अब वो थम जाएगा क्योंकि खुद मंदिर ट्रस्ट ने यहाँ पर न्योता दिया है तृप्ति देसाई को कि वो आए और यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना करें। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस चबूतरे की जहाँ पर महिलाओं का जाना पहले वर्जित था। हेलो, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो पुरुष, उन्होंने काफी हंगामा किया, उस हंगामे के बाद ये फैसला हुआ है। अब मंदिर ट्रस्ट ने महिलाओं को भी अनुमति दे दी है पूजा करने की। तो विवाद आखिर क्या था, ये घटना आखिर क्या थी? शिंगणापुर विवाद गर्भगृह के किसी के जाने की इजाजत नहीं थी। 400 साल से किसी महिला को यहाँ पर पूजा करने की अनुमति नहीं मिली थी। शनिदेव के चबूतरे पर जाकर तेल चढ़ाने या पूजा करने की अनुमति नहीं थी। 29 नवंबर 2015 को एक महिला ने शनिदेव के चबूतरे पर जाकर पूजा की थी। शनि शिंगणापुर में पंचायत हुई और मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। भूमाता ब्रिगेड और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने घटना की सराहना की। 15 साल पहले भी शनि मंदिर पूजा को लेकर महिलाओं ने आवाज बुलंद की थी। भूमाता ब्रिगेड की करीब 700 महिलाओं ने पूजा करने की घोषणा की। पुलिस ने शिंगणापुर से 75 किलोमीटर पहले रोका, हिरासत में लिया था। मंदिर में पूजा के ऐलान के बाद गाँव के लोगों ने मीटिंग भी की थी। भूमाता ब्रिगेड को रोकने के लिए गाँव की महिलाएं भी आगे आई थी। तो फिलहाल अब एक 400 साल पुरानी वो परंपरा जिसको लेकर खासा रोष था महिलाओं में और यहाँ पर उसे असमानता का प्रतीक माना जा रहा था, ये 400 साल पुरानी परंपरा अब टूटी है। इस गर्भगृह में, इस चबूतरे में अब महिलाएं भी पूजा कर पाएंगी। शनि शिंगणापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर पुरुषों के हंगामे के बाद एक 400 साल पुराना जो फैसला था, 400 साल पुराना जो नियम था, उसे बदला गया। और आज नवरात्र का पहला दिन है और हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी है। नवरात्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामाख्या मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। तो आपको बता दें कि गुवाहाटी में है, असम के दौरे पर है प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने पहली बार इस मंदिर के दर्शन किए हैं। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर के बाहर इंतजार कर रहे लोगों से भी मुलाकात की और उनसे हाथ मिलाया। तो आपको बता दें कि नवरात्र में पूरे व्रत रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बार भी पूरे व्रत रखे हैं और पहले दिन, नवरात्र के पहले दिन कामाख्या देवी के दर्शन किए हैं और इसे आप देख सकते हैं गुवाहाटी। बच्चों से भी मुलाकात की वहां पर, जो बाकी लोग यहां दर्शन के लिए आए थे उनसे भी बातचीत की है। तो कामाख्या मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि
यहाँ पर दौरे पर गए हैं, तो इस दौरान उन्होंने माँ कामाख्या के दर्शन भी किए हैं। इस दौरान जो बाकी श्रद्धालु बाहर कतार में खड़े माँ के दर्शन का इंतजार कर रहे थे, उनसे भी बातचीत की, उनसे भी मुलाकात की, और बच्चे जो काफी उत्साहित नजर आए अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलकर। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कामाख्या मंदिर की। पहली बार दर्शन किए हैं कामाख्या के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और नवरात्र का पहला दिन आज है, तो इस मौके पर उन्होंने दर्शन लाभ लिया। और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं, कामाख्या मंदिर यहां पर गए हैं तो दौरे पर ही। इस दौरान 9 दिन का उपवास भी रखा है प्रधानमंत्री ने, और नवरात्र के पहले दिन जब उन्हें अवसर मिला इस प्रसिद्ध शक्तिपीठ के दर्शन करने का, तो उन्होंने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया है। और पहली बार यहां उन्होंने मां के दर्शन किए, पूजन किया, अर्चना की, और इसके बाद जो बाकी श्रद्धालु यहां पर आए थे मां के दर्शन के लिए, उनसे भी मुलाकात की है और बातचीत की है। तो ये तस्वीरें हैं कामाख्या मंदिर गुवाहाटी की, जो काफी प्रसिद्ध मंदिर है, शक्तिपीठ इसे माना जाता है, और इस मंदिर में जाकर दर्शन लाभ लिया। नवरात्र का ये अवसर है, तो इस पावन मौके पर पहले दिन नववर्ष की शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामाख्या मंदिर में दर्शन के साथ ही। तो पीएम ने पहली बार मां कामाख्या के दर्शन किए हैं, और पहले नवरात्र के दिन उन्होंने दर्शन लाभ लिया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिलाएं और बच्चे पुरुष किस तरह से प्रधानमंत्री से मिलने के लिए यहां पर आए। और ये दो तस्वीर आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर है मंदिर में जो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे, और दूसरी तस्वीर है जहां पर बच्चे कितने उत्साहित है, आप जरा देखिए, बस छूकर ये अपने आप को वो यकीन दिलाना चाहते हैं कि अपने देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। और बाकी जो लोग हैं वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी अपने देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। तो बच्चों का उत्साह आप देख सकते हैं, महिलाएं भी पहुंची हैं, और जो भी वहां का एक तरह से उन्हें सम्मानित किया गया अपने अपनी ओर से, जो सम्मान महिलाएं यहां पर से दे सकती थी, और ये बच्चियां जो नजर आ रही हैं अपने देश को प्रधानमंत्री को देखते हुए, और काफी उत्साह लोगों में नजर आया अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर। तो दो तस्वीरें हैं नवरात्र के पहले दिन की तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पहुंचे, काफी प्रसिद्ध ये धाम है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है, और इस दौरान उन्होंने नवरात्र का पहला दिन भी था, अवसर भी था, तो उन्होंने इस अवसर में अपने नववर्ष की शुरुआत यहां पर की है मां के दर्शन के साथ, पूजा अर्चना यहां पर की है, और इसके बाद लोगों से भी मुलाकात की है। तो लोगों को जैसे ही खबर मिली, पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए हैं, तो उन्हें बस इनके एक झलक तक पाने का यहां पर काफी ज्यादा उत्साह था। और बच्चियों को आप देखिए किस तरह से छूकर ये यकीन कर लेना चाहती है कि वाकई में जो शख्स उनके सामने खड़ा है, जो शख्स उनसे मुखातिब है, वो देश के प्रधानमंत्री ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दौरान, क्योंकि काफी ज्यादा लंबा यहां पर वक्त नहीं बिताया, लेकिन जो भी वक्त था, तो उन्होंने जो लोग उनसे मिलने आए सभी का अभिनंदन किया, और उनसे बातचीत करने की या फिर उनसे मिलने की कोशिश जरूर की। और बड़ी खबर आपको बता दें, तंजील अहमद हत्याकांड से जुड़ी हुई एनआईए अफसर हत्याकांड में डीजीपी का बयान है कि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी हाँ, डीजीपी ने यह कहा है कि अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि सवाल यहां पर ये उठ रहे हैं कि जो थ्योरी पुलिस लगातार बता रही है और आपसी रंजिश का ऐसे मामला बता रही, प्रॉपर्टी विवाद का मामला बता रही है, तो आखिर क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही, यानी कि आधिकारिक तौर पर कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है। तो इस बीच जो बड़ा बयान आया, क्योंकि बिजरा पहुंचे हैं जावेद अहमद और पहले से इनका दौरा तय था, तो उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बयान यहां पर आया है जो पहुंचे हैं एनआईए अफसर हत्याकांड में जांच को लेकर। अर्षद जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्षद, यहां पर पहुंचे हैं डीजीपी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके बाद सामने आई है। देखिए प्रीति, डीजीपी जो है बिजनौर पहुंचे हैं और सिविल लाइन में पहुंचे हैं, और उसके बाद जो है जो उनके अफसरान थे उनसे बातचीत की, और साथ ही जो मृतक के परिवार वाले हैं पहले उनसे तकरीबन 1 घंटे उनसे उन्होंने बात की है। उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए हैं, और मीडिया से उन्होंने साफ कहा कि अभी तक
जो है किसी की कोई किसी को भी अभी तक हिरासत में नहीं लिए गए हैं। साथ ही हम कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं करेंगे कि कोई बेकसूर इसमें भागा जाए, और बहुत हमारी एनआईए एसटीएस और एटीएस जो है पूरी तरह से काम कर रही है। प्रीति बिल्कुल, अर्शद यहाँ पर सवाल ही उठ रहे हैं बार बार, क्योंकि जिन तीन लोगों के नाम ले जा रहे हैं, मुनीर नाम है, जैनवल है और इसके अलावा एक और रेहान है, लेकिन पुलिस खुद आधिकारिक तौर पर ये बयान क्यों नहीं दे रही है कि मामला क्या है? जहां हमें लग रहा है कि मामला सुलझ गया वहां पुलिस अभी मूक बनी हुई है, तो यहां पर क्या डीजीपी ने कोई स्थिति यहां पर स्पष्ट की है? बिल्कुल, देखिए डीजीपी से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि अभी तक हमने कहा कि इससे पहले भी जो डीजीपी इस पर के अधिकारी उन्होंने गिरफ्तारी हुई है, जो है रिहान की जो है गिरफ्तारी हुई, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से जो है इस बात को नकार दिया, अभी तक कोई किसी गिरफ्तारी नहीं है और हम कोई भी काम जो है जल्दबाजी में कदम नहीं उठाएंगे क्योंकि कोई बेकसूर जो है फंसा जाए। तो अर्शद ये बताएं कि क्या, क्योंकि पुलिस यहाँ पर खुद कंफ्यूज है या फिर कंफ्यूज कर रही है, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि स्थिति दरअसल है क्या, पुलिस की दिशा जो है जांच की वो कहाँ को जा रही है, तो इस बारे में बताएं क्या इसे जो प्रॉपर्टी का विवाद है उससे जोड़कर ही देखा जा रहा है, उसी दिशा में जांच आगे बढ़ रही है या कोई और एंगल अब भी बाकी है जो पुलिस इस केस में देख रही है? देखिए डीजीपी से हमने पूछने की काफी कोशिश की लेकिन उन्होंने जो है कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। हमने ये बात रखी थी कि प्रॉपर्टी का विवाद भी हो सकता है और भी कई मुद्दों पे जो है जो और भी जो उनकी भांजी है मृतक की जो तंजील अहमद है उनके उनके बिंदुओं पे भी हमने जो है उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन कुछ भी बोलने को वो तैयार नहीं हुए। प्रीति ठीक है अर्शद, क्योंकि इंतजार लोग यही कर रहे हैं, ये खबर तो आ गई कि चलिए यहाँ पर अब ये प्रॉपर्टी का विवाद है, नाम भी सामने आए, आरोपियों की तस्वीरें भी सामने आए, परिजनों के बयान भी सामने आए जो कह रहे हैं कि बेकसूर है उनके बच्चे, खासतौर पर मुनीर के अगर पिता की हम बात करें, तो क्या पुलिस की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान आएगा, क्या पुलिस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने जा रही है? ना बिल्कुल, ये डीजीपी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद जो है अब ये जो घटना स्थल है सैदपुर इलाका वहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद जो है बारीकी से छानबीन करेंगे और जो जहाँ पर घटना स्थल है वहाँ की छानबीन करके जो परिवार वाले हैं उनके वहाँ मौजूद हैं, जो उनका कस्बा इलाका है, उनका रिहायशी इलाका है, जो वो तंजील अहमद रहा करते थे, उनके परिवार वाले हैं और उनके घर वाले हैं, तो उनसे वो बातचीत करेंगे और जो इलाके के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है बातचीत सामने आएगी और सुराग मिलेगा। तो अर्शद अगर हम एक ये यहाँ पर लबलुआब जाना चाहें कि डीजीपी बिजनौर आए, जांच की और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया, तो कुल मिलाकर स्थिति क्या नजर आती है? देखिए प्रीति, स्थिति अभी बिल्कुल साफ नहीं है क्योंकि बार बार जो है पुलिस का अधिकारी और जो एनआईए है एक जैसे वो अपने बयान बदल रही है। अब ये कह रहे हैं डीजीपी ने अभी जो बिल्कुल नया बयान अभी भी दिया है कि हम अभी तक जो है कोई भी ना तो गिरफ्तारी की है और ना ही किसी को हिरासत मिली है, तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस का अधिकारी है और जो खुफिया एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं इसमें जिनका मर्डर हुआ है तंजील अहमद का, तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने जल्दबाजी की है और ये बात जो है डीजीपी ने भी जो साफ तौर से कह दी है कि कहीं ना कहीं जो है हम जल्दबाजी नहीं करेंगे और इसी को लेकर के जो है पूरी तरह से तफ्तीश करेंगे, छानबीन करेंगे, जांच करेंगे, कहीं जाकर जो है हम उस नतीजे तक पहुंचेंगे और उसके बाद जो है कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। चलिए बिल्कुल अर्शद, आप बने रहे हमारे साथ, अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं, आगे फिर आपसे हमें अपडेट लेनी इस खबर पर। तो तंजील अहमद हत्याकांड में एक और शख्स हिरासत में, इंतजार नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया है। इंतजार ने पूरी वारदात की पुष्टि की थी, वारदात के बाद मुनीर के पिता ने इंतजार को अपने घर बुलाया था, मुनीर ने इंतजार को बताया था कि चार गोली लगने के बाद भी तंजील अहमद जिंदा थे, इंतजार को गवाह के रूप में पेश करने की तैयारी में है पुलिस। तो ये खबर इस वक्त आ रही है कि इंतजार एक और शख्स जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो अर्शद बताएं यहाँ पर इंतजार नाम का जो एक और शख्स इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा है उसको लेकर क्या खबर है? चलिए यहाँ पर इस वक्त फोन कट चुका है लेकिन आपको हम बता दें कि इंतजार को गवाह के रूप में पेश करने की तैयारी में है पुलिस। तो इस मामले में मुख्य आरोपी मुनीर फरार चल रहा है। खबरों की माने तो पुलिस ने उस पर 50,000 के इनाम की घोषणा की, यहाँ पर योजना बना ली है और इस इनाम की घोषणा कर सकती है पुलिस, क्योंकि मुनीर पर ये आरोप है कि उसने ही गोलियां चलाई थी। तो हालांकि अब डीजीपी ये कह रहे हैं कि कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है और कि थ्योरी पर पुलिस काम करी ये भी पुलिस स्पष्ट नहीं करे, लेकिन जो नाम सामने आए हैं उसको लेकर खबर यही है कि मुनीर जो फरार चल रहा है उस पर 50,000 का इनाम घोषित कर सकती है पुलिस। अहमद हत्याकांड में जहां अब खुद उत्तर प्रदेश के पुलिस के सुपर बॉस डीजीपी जावेद अहमद
खुद बिजनौर जा पहुंचे हैं, वहीं उनके साथ आईजी एटीएस और यूपीएस चीफ भी हैं। वहीं दूसरा जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो ये कि मुनीर को फिलहाल गिरफ्तार नहीं कर पा रही है यूपी पुलिस, और यहां पर जो अंदर खाने की खबर है सूत्रों के हवाले से, पुलिस सूत्रों के हवाले से, कि फिलहाल फाइल तैयार हो रही है और मुनीर पर 50,000 रुपए का इनाम रखा जा रहा है। डीजीपी के आने के बाद ही इस पर संस्तुति ली जाएगी और 50,000 रुपए का इनाम मुनीर पर, जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी के रूप में बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर पता चली है कि उसी ने लगातार ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी डीएसपी पर, तंजील अहमद पर। तो देखना होगा कि यूपी पुलिस 50,000 रुपए का इनाम घोषित करने के बाद क्या मुनीर को गिरफ्तार कर पाती है। कैमरामैन अमित सहानी के साथ अभिषेक सिंह, लखनऊ, समाचार प्लस। एनआईए अफसर तंजील मर्डर केस में खुफिया तंत्र उनके अपनों को मुजरिम ठहरा रहा है। पुलिस के आला अफसरों की और कई खुफिया एजेंसियों ने तंजील के खास दोस्तों रिश्तेदारों समेत 5 लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लिया है, जिस पर उनके परिजन बेहद नाराज हैं। मुनीर के पिता का कहना है कि उनके बेटे को पुलिस बेवजह फंसा रही है, क्योंकि खुद हथियारों तक नहीं पहुँच पाई है तो उनके बेटे पर आ रही। मेरा बच्चा किसी सुकूनेस में इन्वॉल्व नहीं है, ये फंसाया जा रहा है उसको जी। असल खाते तक वो नहीं पहुंचती पुलिस। मेरे लड़के के यहाँ जो दोस्त वगैरह हैं उनके साथ में उनको भी फंसा रही है। किस तरह से? कि उनसे उल्टी सीधे जांचे कर पूछताछ करके, ये मुनीर कहाँ है, ऐसी ऐसी बातें करके उनसे पूछती है। कोई मेरा बच्चा तो उनसे बहुत मोहब्बत करता था, जब पहले यहाँ पढ़ता था 8 क्लास में, तंजीम भाई से बहुत अच्छा मेरा, उसे समझाते थे प्यार से बहुत अच्छी तरीके से। और अब बात करते हैं गाजियाबाद के हिमानी केस की। इस मामले में कोर्ट ने नरेंद्र कश्यप को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दहेज हत्या के मामले में बीएसपी के राज्यसभा सांसद नरेंद्र कश्यप की पत्नी, उनके बेटे को भी जेल भेजा गया है। हिमानी के मायके वालों ने दहेज के लिए अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। आरोप यह है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की जा रही थी और उसी के चलते हिमानी की हत्या की गई। वह हिमानी के देवर और 2 ननद अब भी फरार चल रही है। तो 6 लोग नामजद है, जिनमें से 3 यहाँ पुलिस के गिरफ्त में है और 3 लोग अब भी फरार चल रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आरोपी सांसद नरेंद्र कश्यप जो नजर आ रहे हैं तस्वीर में आपको, इनके साथ इनकी पत्नी और इनकी बेटी यानी कि हिमानी के पति को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। आंखों में मारे, घूसे मारे हैं, नाक टूटी हुई है उसकी, गले में है पूरा 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 गला लाल पड़ा हुआ नीला, सिर में 2-2 गोली मारी उन्होंने, हत्या की बुरी तरीके से। फोन करके हमसे कह रहे कि हमको माफ कर दो, बहुत बुरा इन्होंने उसका आतंक किया। कहाँ कहाँ हाथों में हाथ मुड़ रहे हुए हैं उसकी, सब उंगलियां काली है, ये वाली सब ऐसे ऐसे कर दिए, मोड़ हाथ एकदम टेढ़े कर दिए उसके हाथ, बिल्कुल गले में पूरा लाल इतना पूरा, जैसे गला दबाया है, नाक पर चोट है, आँख सिर में, सिर की हड्डी टूटी है, गोली भी लगी, हड्डी भी टूटी है, बाल भी उखड़े हुए थे उसके, जैसे बाल पकड़ के उसके गोली मारी हो, बहुत बुरा हाल किया उसका, पीठ में भी चोट थी उसकी। जो मुक्का है उनके पति, उनके ससुर जो कि सांसद हैं तथा उनकी जो मदर इन लॉ है, उन तीनों को प्रथम दृष्टया दहेज पीड़न और दहेज हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अभी चूंकि वो हॉस्पिटल में है, लेकिन डिटेंशन पुलिस ने इंश्योर कर ली कि सुबह से ही उनको डिस्चार्ज करा के प्रॉपर जिला चिकित्सालय में मेडिकल चेकअप करा के उन्हें जेल भेजा जाएगा। प्रथम दृष्टया जो चीज इसमें निकल के आई है वो है कि मृतका का उत्पीड़न किया गया था, मृतका उत्पीड़ित अवस्था में थी और इसलिए वो दहेज हत्या के जो सेक्शंस हैं वो प्रमोद मिश्राई एट्रैक्ट हो रहे हैं इस केस में, और उन्हीं सेक्शंस के तहत अभी पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि यहाँ फिलहाल 3 आरोपी अब भी फरार हैं, जबकि 3 को जेल भेज दिया गया है, जिसमें नरेंद्र कश्यप जो राज्यसभा सांसद हैं, बीएसपी के, उनकी पत्नी और बेटा शामिल है।
मदरसों में बोर्ड परीक्षाएं नए कराने के सरकार के आदेश पर मदरसा बोर्ड के मुस्लिम छात्र भड़क गए हैं। संत कबीरनगर में छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, वहीं सरकार और मंत्री आजम खान के खिलाफ नारे भी लगाए। इस मौके पर छात्रों की रहनुमाई कर रहे फाजिल के स्टूडेंट सैयद अनवर सफी ने ऐलान किया कि अगर पहले ही की तरह मदरसों में एग्जाम नहीं कराए गए तो जिले के हजारों छात्र परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। साथ ही छात्र सरकार को यह भी खबरदार कर रहे हैं कि मांग न मानी गई तो 2017 में अंजाम भुगतने को तैयार है। आपको बता दें कि सरकार ने मदरसा बोर्ड की होने वाली परीक्षाओं को इंटर कॉलेज में कराने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता साहिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, और क्या कुछ और जानकारी साहिल जानना चाहेंगे, जो नाराजगी है यहाँ पर किस तरह से देखने को मिली है? जी प्रीति, बताना चाहेंगे ये मदरसा बोर्ड की जो परीक्षा होने वाली थी, इस बार प्रदेश सरकार ने इसका नियम बदल दिया है, इसे इंटर कॉलेज में कराने का निर्णय लिया है। जिससे नाराज छात्र है, उन्होंने पूरी परीक्षा को बहिष्कार कर दिया है और इन्होंने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है, अगर नियम पुराना नहीं किया गया तो आने वाले विधानसभा सत्र में भुगतने की तैयार रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहिल जानकारी के लिए। मदरसे का जो सेंटर कॉलेजों में चला गया है, और आजम खान के कहने पर और प्रदेश सरकार के कहने पर इसके खिलाफ हम एहतजाज करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और इनके खिलाफ हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे साथ ये गलत किया गया है और हम ये चाहते हैं कि हमारा सेंटर हमारे मदरसे ही में रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव विधानसभा चुनाव में आजम खान हो या प्रदेश सरकार का कोई भी मंत्री हो, उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आजमगढ़ में देर शाम बाइक सवार हमलावरों ने एलआईसी एजेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना तरौलिया थाना क्षेत्र के बढ़िया बाजार की है। एलआईसी एजेंट श्याम बिहारी चौबे बाजार से सामान खरीदकर घर लौट रहे थे। जैसे ही वो पेड़वा मोड़ के पास पहुंचे, वहां पर घात लगाए बैठे तीन बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दी। जब तक आसपास के लोग चेतते तब तक कातिल फरार हो गए। गंभीर हालत में श्याम बिहारी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर डीआईजी, अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ बुढ़न समेत आसपास के थानों की फोर्स पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले में पड़ताल कर रही है। रास्ते में इसने इनको एक मोटरसाइकिल पे तीन लोग सवार थे, सामने से आके इनको रोका और उसके बाद बताते हैं इनको गोली मार दिया। गंभीर हालत में इनके घर वालों ने घर वाले लेकर के यहाँ पे अस्पताल आए, जहाँ पे इनकी डेथ हो चुकी है। शेष जो मोटिव है, क्या कारण है, इसकी जानकारी की जा रही। बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष मधु मिश्रा पर बदजुबानी की गाज गिर गई है। अंबेडकर महासभा की मीडिया प्रभारी डॉक्टर सत्या दोहरे ने लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया है। आपको बता दें कि बीते रविवार को आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मधु मिश्रा ने दलितों पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके चलते बीजेपी ने भी उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया। फिलहाल अब उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।